हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में आज के दिन एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। कुछ मेजर अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मनी कंट्रोल की तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशन आई है यस बैंक पर, और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल के आया है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और यहाँ से पता लगाएंगे कि आखिर जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में यस बैंक का जो शेयर है यहाँ से आने वाले टाइम में जा सकता है। वीडियो को अगर आप पूरा ज़रूर देख लोगे तो मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सो डर यहाँ से मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन जो है वो मिलेगा। और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो डर आपको टाइमली नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में। मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज के दिन एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, यानी कि सेंसेक्स में करीबन 400 पॉइंट का अपसाइड है, निफ्टी 50 में करीबन 150 पॉइंट, निफ्टी बैंक में करीबन 400 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप में करीबन 500 पॉइंट का अपसाइड है। यानी कि एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो आज के दिन बना हुआ है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, जिसमें चारों इंडाइसेस आपको पॉजिटिव साइड मूवमेंट दिखाते हुए नज़र आ रही है। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस में बहुत बड़ी तेज़ी है 9% की, यूनियन बैंक में 9%, बैंक ऑफ इंडिया 9% के आसपास, अदानी पोर्ट्स 7.5% के आसपास की तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि आज गज़ब की तेज़ी है। अदानी की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी की सारी क्लैरिटी जो है वो आपको दे दूंगा कि आखिर इतनी बड़ी तेज़ी जो है वो क्यों आई है। वहीं हिंदुस्तान जिंक में 9% की गिरावट है, अदानी ग्रीन एनर्जी 5%, अदानी टोटल गैस 4.5%, बजाज होल्डिंग्स 4% की गिरावट दिखाते हुए आज के दिन नज़र आ रहे हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं आज के दिन की, यानी कि यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक में भी आज के दिन करीबन करीबन 1.5% से ज़्यादा का मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड में, और मार्केट क्लोजिंग में करीबन 10 मिनट बाकी हैं। अभी हो सकता है ये जो है वो 2% तक भी पहुँच जाए। एग्जैक्ट 15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 10 मिनट बाकी है जब मार्केट में। तो एक चीज़ अच्छी है कि मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा बन रहा है धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जो शेयर है वो थोड़ी बहुत पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहा है। अब वहीं अगर हम बात करेंगे पिछले 6 महीने के बारे में तो करीबन 4% के आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स नज़र आते हैं। यानी कि हालत जो है वो आपको पिछले 4 से 6 महीने में भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आई। इवन जो सबसे ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है वो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिला है। तो ये आज का यहाँ पे मोमेंटम है। मैं आपको सबसे पहले एनएससी पर लेकर चलता हूँ। एनएससी पर मैं आपको लेकर चलूँगा तो आपको यहाँ पे जो है चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि 14.80 रुपये पर ओपन हुआ था, 15.10 रुपये का आज के दिन का हाई भी है, और शायद इस पर ये क्लोजिंग भी देते हुए नज़र आ जाए। 14.75 रुपये का इसने लो भी बनाया है, यानी कि अगर आप देखोगे तो आज अपने हायर पॉइंट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर्स दिखाता हूँ। करीबन 1.5 करोड़ के आसपास सेलिंग साइड पे ऑर्डर्स है मार्केट क्लोजिंग में जब 10 मिनट बाकी है, और वहीं 2.5 करोड़ के आसपास के बाइंग साइड पे, यानी कि जैसे ही बाइंग साइड पे थोड़ा सा भी मोमेंटम बना शेयर आपको जो है पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आया। वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटीज़ वाइज ट्रेड के, यानी कि 3 बजे तक वॉल्यूम जो है वो करीबन 8 करोड़ के आसपास है, और 36-37% का जो आपको यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है वो भी देखने को मिल रहा है। यानी कि एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3 बजे तक। तो ये एक मजबूती भी क्रिएट करेगा आने वाले टाइम के अंदर अंदर। अब ये तो हो गया ओवरऑल सिनेरियो यस बैंक का आज के दिन का। सबसे पहले मैं आपको मनी कंट्रोल पर लेकर चलता हूँ। ये प्रॉपर एक वीडियो थी तो मैं वीडियो तो यहाँ पे पोस्ट नहीं कर सकता कॉपीराइट क्लेम की वजह से, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने यस बैंक की कवरेज की, और यहाँ पे करीबन जब शेयर में एक तेज़ी बनी हुई थी तब यहाँ पे बताया गया है कि बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सीधी बात यह है कि बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे आपको होल्ड की ही रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, सेलिंग की भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ना बाइंग करनी है ना सेल करना है, अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखना है, ऐसा यहाँ पे जो ओवरऑल मनी कंट्रोल है उनका कवरेज बताता है। और साथ के साथ एक जो कस्टमर थे उन्होंने भी अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी थी, उन्होंने को भी रिकमेंडेशन यही गई है कि आपको यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ों को होल्ड करके ही रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया मनी कंट्रोल की तरफ से रिपोर्ट। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि यस बैंक ने एक हाल ही में एनएससी को एक नोटिस दिया था जिसमें बताया गया था कि एक इन्वेस्टर मीट है
वो आपको देखने को मिलने वाली है एम्बिट कैपिटल के साथ। यानी कि अगर आप देखोगे कि बहुत अच्छी खासी जो मीटिंग्स इनकी हैं वो कंटिन्यूसली चली हैं मार्च के मंथ में, जिसमें यहाँ पे आने वाले टाइम में हो सकता है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो यस बैंक के अंदर आते हुए नज़र आ जाए, जिससे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो SBI जो सुप्रीम कोर्ट में आपको इनका एक जो फैसला है वो अभी देखने को मिल रहा है, अब वो उसका जैसे ही डिसीजन आएगा तो सारी चीज़ें जो है वो बदलती हुई नज़र आएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यस बैंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बड़ा झटका दिया है और इनको कुछ नियम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक लोन घोटाले के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कपिल वाधवान और उनके भाई धीरज वाधवान की जो जमानत थी वो रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो केस है वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हुए नज़र आ रहा है। 81 बॉन्ड वाला भी केस आपको सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए नज़र आ रहा है। यस बैंक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कपिल वाधवान और उनके भाई को राहत देते हुए कहा कि यस बैंक लोन घोटाले के मामले में DHFL के पूर्व प्रमोटर यानी कि कपिल वाधवान और उनके भाई को जमानत मिली थी, जिसे रद्द करने की ईडी ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन उन्होंने इसको मना कर दिया है। यानी कि बताया गया है कि एक आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिमांड 3 जजों की बेंच कानून को स्पष्ट करती है तो यहाँ पे ईडी की तरफ से जो भी याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है और बताया गया है कि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही प्रॉपर ढंग से करी जा रही हैं और यहाँ से आने वाले टाइम में आपको इस पे भी एक डिसीज़न शायद एक्सपेक्ट करें, लेकिन ये टाइम काफ़ी ज़्यादा ले सकता है। लेकिन जो दूसरा केस चल रहा है यस बैंक का, जैसे कि 81 बॉन्ड होल्डर और यस बैंक के बीच, वो भी आपको सुप्रीम कोर्ट में ही नज़र आ रहा है, जिस पर अगर आप देखोगे तो चांसेस नज़र आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है यस बैंक के फेवर में फैसला सुना दे और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ जाए यस बैंक के लिए। और चांसेस पूरे हैं कि इसी वीक में ये जो आपको डिसीजंस हैं वो आते हुए नज़र आ जाएंगे। और जिस अकॉर्डिंग क्रेडिट स्यूज का भी आपको पता ही है कि जो बॉन्ड होल्डर की टोटल वैल्यू थी वहाँ तो डायरेक्टली ज़ीरो कर दिया, ना कोई केस ना कुछ। तो अब ऐसे टाइम पे जहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी सेट हो चुका है, मेरे ख्याल से तो जो है सुप्रीम कोर्ट वो यहाँ पे आपको डिसीजन सुना सकती है। और अभी SBI का भी एक बड़ा बयान निकल के आया था कि अगर ऐसा पता होता कि 81 बॉन्ड्स जो वो राइट ऑफ नहीं होंगे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं करी जाती। कोई अपने ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जहाँ पर उसको पता चले कि अपना जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग RBI ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे ख्याल से इस वीक में जब ये डिसीजन आएगा और विद इन दी मार्केट आ गया तो डेफिनेटली यहाँ से आपको जो शेयर है वो एक बड़ा मोमेंटम दिखाते हुए नज़र आ जाएगा। मनी कंट्रोल की तरफ से भी रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है कि यहाँ से आपको होल्ड करना है, ना बाइंग ना सेल। जब भी बाइंग की लेवल आएगी मैं आपको नोटिफाई यहाँ पे कर ही दूंगा वीडियोस और टेलीग्राम के थ्रू ही, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।